नमस्कार दोस्तों, आज हम सोनी W800C D950C D मॉडल के रिस्टार्ट प्रॉब्लम या तो लोगों पे हैंग हो जाना, उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। इस सेट में सोनी लोगो दिखता है और एंड्रॉइड बूट इमेज दिखती है। एनिमेशन चलते रहता है और कभी कभार एक दो सेकंड के लिए आपको वो मेन मेनू तक एप्लीकेशन स्टार्ट दिखाएगा, या तो बीच में ही रुक जाएगा, स्टैंड बाय चले जाएगा, या तो रिस्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली ये वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, या तो सॉफ्टवेयर एरर अगर हुई हो, कोई एप्लीकेशन गलत इंस्टॉल कर दी हो, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो डिजिटल सप्लाईज हैं, बहुत छोटे वोल्टेज रहेंगे, 0.9 से लेके 1.15 तक के, उन वोल्टेजेस के ऊपर कोई वेरिएशन ना हो या सॉर्टिंग ना हो, ये हमें चेक कर लेना है। और MMC IC जो OS उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है, उसकी कनेक्टिविटी माइक्रो के साथ में प्रॉपर हो, ये भी हमें चेक कर लेना है। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम फाइनल होने पर एक इजी तरीका, सिक्योर और इजी तरीका है, आईसी को बोर्ड से अलग कर दो और उसकी सॉकेट में जो BGIC है, MMC IC को प्रोग्राम करने के लिए एडप्टर आता है, उससे अगर आप उसे रिप्रोग्राम करेंगे तो 100% श्योर, सिक्योर, बिना किसी बग वाला प्रोग्राम आप रीराइट कर सकते हो। सावधानी से बिना मिस्टेक या जल्दबाजी में आईसी को खींचना नहीं है, जब तक सोल्डर बॉल्स पिघल ना जाए तब तक उस आईसी को खींचना नहीं है। आराम से उसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख दीजिए। जब हमें चिप डैमेज है या सिर्फ सॉफ्टवेयर एरर है वो चेक करना है, तो जो एक्स्ट्रा सोल्डर मटेरियल लगा हुआ है आईसी के ऊपर, सबसे पहले हमें उसे क्लीन करना होगा। कुछ जिग्स बनाने होंगे आपको आसानी से काम करने के लिए, जैसे एक लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर उस आईसी के साइज का ढांचा बना लिया है। और सावधानी से हल्के हाथों से हमें ये बॉल्स हटाने हैं। सबसे पहले सोल्डरिंग आयन भी आपको एक अच्छा यूज़ करना होगा, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग आयन यहाँ पे यूज़ करना है। फिर जैसी आपकी प्रैक्टिस हो उस हिसाब से आपने अपने टूल्स इस्तेमाल करने हैं।
हल्के हाथों से एक्स्ट्रा मटेरियल निकाल लेना है। पेस्ट को भी क्लीन कर लेना है। प्रोग्रामर के एडाप्टर में जब हम आईसी रखते हैं तब हमें एक क्लीन आईसी बिना पेस्ट वाली आईसी वहाँ पे रखनी होती है, नहीं तो आपका एडाप्टर बहुत जल्दी डैमेज होने की शक्यता है। अभी हम आईसी को एडाप्टर में रख के उसकी लाइफ चेक करेंगे। अगर उसकी लाइफ ज़्यादा यूज़ हो गई हो तो आईसी काम में नहीं आएगी, हमें नई चिप लेनी पड़ेगी। सावधानी से एडाप्टर में उसे रखनी है। एक नंबर का मार्किंग दिया है, वही हिसाब से एक नंबर आना चाहिए। ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है और रीड करने की प्रोसीजर स्टार्ट करनी है। हमें स्मार्ट आइडेंटिटी में EMC ऑप्शन सिलेक्ट करना है और वोल्टेजेस 1.8 VCC क्यू होता है, ड्यूअल वोल्टेज ऑपरेटेड आईसी है ये। हम रीड करेंगे तो सेव ऑप्शन पे जाता है, उसे कैंसिल कर देना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और लाइफ टाइम की चेक करनी है कितना दिखा रहा है। यहाँ पे वो मैक्सिमम यूज़ बता रहा है 90 to 100%, यानि ये आईसी वापस हम काम में नहीं ले सकते हैं, हमें एक नया चिप लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कम से कम 0 से 10% लाइफ टाइम यूज़ का मेज़रमेंट लिखा हुआ मिलना चाहिए था। नई चिप एडाप्टर में लगा के हम उसमें डंप फाइल राइट करते हैं। यहाँ पे इसकी लाइफ टाइम 0 से 10% दिखा रहा है। हमें ये कंडीशन खास चेक करनी है EMC IC को रीयूज़ करने के लिए। तब हमें उसे बोर्ड में लगाने के लिए वापस BGA एरे बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए एक छोटी सी टेंसिल्स आती है, आपको इस्तेमाल करना है। जो डॉट्स हैं सोल्डर पॉइंट्स वो एडजस्ट करते हुए सेलो टेप या कोई अच्छी शेप से उसे फिक्स कर देना है। और BGA सोल्डर पेस्ट
वो बॉल बनाने के लिए उसके ऊपर नए बीजीए ग्रिड बनाने के लिए अच्छी तरह से सारे होल्स में वो पेस्ट लग जाए। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितनी अच्छी तरीके से बीजीए बॉल्स बना सकते हो। ये प्रैक्टिकल दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। आपने खुद कोशिश करनी है। आपको चाहे कोई 10 बार ये प्रैक्टिकल करके दिखाए, वो उसकी प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत आसानी से करके दिखा देगा। थियोरी समझना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से इस वीडियो में मैंने हर चीज़ को बारीकी से आपको दिखाया है, उस हिसाब से आपने प्रैक्टिस करनी है। मेरा मकसद रहता है थियोरी सबसे पहले जानना, किस तरह से वो काम होता है। अगर वो मुझे पता चल जाता है तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मेरी ट्रेनिंग शेड्यूल में थियोरी पे बहुत जोर दिया जाता है। बेसिक से लेके चीप लेवल की एक्सपर्टी तक हर वो चीज़ बारीकी से समझाई जाती है कि आपको किस तरह से काम करना है। अब आप आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से सामने की ओर से या तो आईसी की तरफ से उसे रीहीट करना है, वो सोल्डर पेस्ट पिघल के आईसी के ऊपर चिपक जाए और बीजीए एरे तैयार हो जाए। हम उसे गर्मी देते हैं, हीट करते हैं, तो थोड़ा ठंडा होने के लिए, कूल डाउन होने के लिए टाइम दीजिए। यहाँ पर अब थोड़ा पेस्ट लगा के उसे रीहीट करना है, तो जो बॉल्स के शेप हैं वो सारे एक सरीके हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं देनी है। नॉर्मली 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे ये सोल्डर पेस्ट पिघल जाता है। ऊपर की तरफ से पेस्ट लगाकर हमने ये टेम्परेचर देना है उसे, तो ये सारे बॉल सब अपनी जगह पे आ गए हैं। अब आसान सा काम, इसे क्लीन कर लो। एक्स्ट्रा बॉल्स अगर कहीं पर हैं तो उसे साफ कर लो, एक्स्ट्रा पेस्ट निकाल दो और मेन बोर्ड के ऊपर आपने उसे रीसोल्डर करना है।
अब उसे मेन बोर्ड पे फिक्स करनी है। मेन बोर्ड के ऊपर जो बीजीए ग्रिड बना हुआ है उसे भी हमें क्लीन कर लेना है, और आईसी को वहाँ पे उसकी जो मार्किंग दी हुई रहती है उसके अंदर रखना है। अगर थोड़ी टेढ़ी भी आपको लगती हो कि थोड़ी क्रॉस में बैठी हुई है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सोल्डर मटेरियल पिघलेगा वो अपनी पोजीशन खुद ही आईसी सरका लेती है। मैग्नीफाइन से आप उसे जो मार्क किया एरिया है आईसी के लिए उसके ऊपर आप एडजस्ट करना है। और एयर फ्लो कम रखते हुए उसे हीट देनी है। थोड़ी प्रैक्टिस करने पर आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। शुरुआत में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, और अगर प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, तो गुरानी लर्निंग सेंटर की मुलाकात लीजिए। उसे ठंडा होने दीजिए क्योंकि हमने उसे बहुत हीट दी हुई है। उस हिसाब से कम 2 या 3 मिनट तक उसे ठंडा होने दीजिए। बाद में सेट को ऑन करके चेक करना है। धन्यवाद दोस्तों।